हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग उदाहरण, अब उसी पैटर्न पे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है ये वर्गाकार। अब इस वर्गाकार में हमारे क्या है, जैसे पहली पंक्ति में पहला पद है 25, फिर 30, 35। फिर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति में फिर आता है 35। तो यहाँ पे जो 35 है उसे हम देखेंगे तो यहाँ फिर से 35 आ गया। फिर यहाँ 40, 45, फिर 45 जो है ये 45 यहाँ पे फिर से आ गया। तो 45, 50, 55। अब हो क्या रहा है, 25 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। 25 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। फिर 35 और 35 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। फिर 35 हमने यहाँ रख लिया। फिर 35 और 40 के बीच में फिर से 5 का अंतर है, और 40 और 45 के बीच में फिर से 5 का अंतर है। उसी तरह 45, 50 और 55 के बीच में 5-5 का अंतर है। तो ये हमसे पूछा गया है कि हमारे जो आगे की लाइन होगी, आखिरी लाइन होगी, आखिरी पंक्ति, उसका क्या होगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ 55 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 55। 55 में यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 60, और 60 के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर से 5 जोड़ देंगे तो 65। तो इसका आंसर क्या होगा, 55, 60 और 65। इसी तरह जैसे ये वाला पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या है, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये हमारा क्या है, 5 का पहाड़ा है। 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। इसी तरह इधर 15 है, इधर क्या दिया हुआ है, 30, और इधर 45। तो इसमें क्या होगा, 15, 30, 45। ये 15 का इधर को पहाड़ा है, ये पहला 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। अब हमसे इस पैटर्न में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे 5 का पहाड़ा था, उसी तरह यहाँ पे 3 का पहाड़ा है। तो 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। और यहाँ पे हमने हमारा क्या था, 15 का पहाड़ा था, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 9 का पहाड़ा होगा। 9, 9 दूना 18, 9 3 27। तो इसी तरह हमने ये समझाया, यहाँ पे देखो 5, अब 5 का फिर यहाँ 10, 5 जोड़ दिया, फिर यहाँ 5 जोड़ दिया, फिर यहाँ 5 जोड़ दिया। हम इसे पहाड़ा बोलें या 5 में 5 ऐड करना बोलें, एक ही बात है। तो उसी तरह हम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। उसी तरह हमने 15 में इधर 15, फिर इधर 15 फिर जोड़ा, और इधर 15 फिर जोड़ा। उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। उसी तरह 9, 9 दूना 18, और 9 3 27। तो 27 तो हमें पहले से दिया हुआ था, यहाँ पे 27 तो पहले से दिया हुआ था। और यहाँ पे हमने क्या किया, 9 और उसका बीच का जो एक गैप था 9 दूना 18, उसे हमने फिल कर दिया, और 9 3 27। उसी तरह हम कुछ अब पैटर्न सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या है लिखा है, 3 × 3, 3 × 3 9, 7 × 7 14, 49, 49, 49, 11 × 11 121, 15 × 15 225। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तो इसमें ये पैटर्न बन रहा है, जैसे 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। उसी तरह 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 11 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। तो अगला जो पद होगा, अगला पद हमें पता करना है, तो अगला पद में क्या होगा, 15 और 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 19। अब 19 जो आया है, अब हमारा अगला पद होगा 19 से शुरू होगा। अब ये क्या है, हर जगह क्या हो रहा है, 3 × 3, 7 × 7, 11 × 11, 15 × 15। उसी तरह अगला पद होगा हमारा
उन्नीस गुणा उन्नीस, थ्री सिक्सटी नाइन होगा। तो इसी तरह हम अगला सवाल करते हैं, एट एक्स जेड वाई फाइव डब्ल्यू फोर नाइन टू। अब इसमें हमारे पास पूरी पंक्ति कौन सी है, पूरी पंक्ति हमारे पास देखो एक तो ये है फोर नाइन टू, और दूसरी जो पंक्ति है पूरी वो है एट फाइव और टू। तो इसमें हम पहली पंक्ति का योगफल देखेंगे तो वो होगा फोर प्लस नाइन प्लस टू पंद्रह, और इसी तरह जब हम दूसरी पंक्ति का योगफल देखेंगे तो होगा आठ प्लस पांच प्लस दो पंद्रह। तो इन दोनों, इस पंक्ति का योगफल कितना होगा पंद्रह, और इस स्तंभ का जिसे हम डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, इसका योगफल क्या होगा पंद्रह। तो इसका मतलब है हमारा सभी पंक्तियां और सभी स्तंभों का जो योगफल होगा वो पंद्रह होगा। तो हम अब लिख सकते हैं इसमें कि एट प्लस वाई प्लस फोर, ये कितना हो गया हमारा पंद्रह। तो एट प्लस वाई प्लस फोर पंद्रह हो गया, इसका मतलब क्या है एट वाई फोर, हमने इस लाइन का इस पंक्ति का योगफल लिया है। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी तीन, उसी तरह हम इसके बाद इस पंक्ति का योगफल लेंगे तो इस पंक्ति का योगफल क्या होगा एक्स प्लस फाइव प्लस नाइन, जो कि पंद्रह के बराबर होगा। तो एक्स की, एक्स का जो मान है, एक्स की वैल्यू है वो कितने आएगी, एक्स एक्स बराबर होगा फिफ्टीन माइनस फाइव माइनस नाइन, तो ये हो गया वन के बराबर। उसी तरह जब हम देखेंगे ये x x निकल आया हमारा, अब इसके बाद हम देखेंगे z w 2, तो हमें इससे कोई फायदा नहीं है, z z प्लस w प्लस 2 से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ना तो हमें z पता है ना हमें w पता है, तो हम दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते एक ही इक्वेशन से, एक ही मतलब इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो हम अब तीसरा करेंगे y प्लस फाइव प्लस w, हमने y की वैल्यू पहले निकाल ली है ऊपर, तो वो है y इक्वल टू थ्री, तो हम इसे लिख सकते हैं थ्री प्लस फाइव प्लस w इज इक्वल टू फिफ्टीन। तो अब w किसके बराबर होगा 15 माइनस फाइव माइनस थ्री, डब्ल्यू हो गया सात के बराबर। इसी तरह जब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या करेंगे जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड के लिए क्या कर सकते हैं, जेड
प्लस डब्ल्यू प्लस टू इज इक्वल टू 15। अब इसमें हमने क्या किया, इस वाली पंक्ति को हमने ऐड किया, z प्लस डब्ल्यू प्लस टू 15 के बराबर हो गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमें w की वैल्यू यहाँ पे पता है, जो कि यहाँ पे ये 7 के बराबर आई थी, तो z प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो z किसके बराबर होगा, 15 माइनस 7 माइनस 2, तो 15 माइनस 7 6, तो z हमारा 6 के बराबर आ गया। तो इस तरह हमने देखो इस क्वेश्चन, इस सवाल में सारे सभी का वैल्यूज निकालनी जो x, y, w और z की थी। x की वैल्यू थी हमारी आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3, w की वैल्यू आई है 7 और z की आ गई 6। अब यही चीज क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि y, x, w और z की वैल्यू बताओ, w, x, y, z की वैल्यू बताएं। इसी तरह अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 9। इस श्रेणी का अगला पद बताना है हमें माइनस 9 के बाद। तो इस श्रेणी में हो क्या रहा है, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 9। तो इसमें हो क्या रहा है, 1 और 2 इनके बीच में कितना अंतर है, 1 का, 2 और 3 के बीच में भी 1 का, इसी तरह सभी के बीच में कितने का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1, 4 और 5 के बीच में 1, 5 और 6 के बीच में 1, 6 और 7 के बीच में 1, 7 और 8 के बीच में 1, 8 और 9 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो सभी के बीच में 1 1 का अंतर है। तो हम अगला पद आराम से ढूंढ सकते हैं, वो क्या होगा, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अगला कौन सा होगा, 10। तो 10 के इस बाद यहाँ पे हम पहले जो पहली जो संख्या है, पहला पद है, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, माइनस, दूसरे पद के साथ हम क्या लगा रहे हैं, प्लस, तीसरे के साथ फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पे 9 के साथ हमारा क्या लगा है, माइनस, तो 10 के साथ हमारा क्या लगेगा, प्लस। तो अगला पद हमारा हो गया, अगला पद हो गया हमारा प्लस 10। इसी के साथ पैटर्न खत्म होता है। पैटर्न के हमने आपको चार पांच उदाहरण दिए, ये 3 हमने करके दिखाए और 2 पहले से किए हुए थे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।